सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज एसीपी अत्तर सिंह की सुपरविजन में दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून एवं इंस्पेक्टर करमवीर सिंह की टीम ने मेवात गैंग के 3 ऐसे सदस्यों को दबोचा है जो एक दो नहीं पूरे 33 आपराधिक मामलों में वांटेड थे और जिनको 7 राज्यों की पुलिस खोज रही थी। इस गैंग के सदस्यों के खिलाफ 7 राज्यों में पुलिस पर हमला करने, सेंधमारी, चोरी, चोट पहुंचाने, आर्म्स एक्ट, एटीएम तोड़ने आदि के 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह गैंग अभी तक 25 एटीएमों को तोड़ चुका है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय मुस्तकीम, 32 वर्षीय सम्मा खान व 23 वर्षीय मोहम्मद हसीन के रूप में हुई है। तीनों आरोपी नूह हरियाणा के रहने वाले हैं। मुस्तकीम गैंग का सरगना है। मुस्तकीम पिछले 3 साल से फरार था। विभिन्न अदालतों द्वारा 8 मामलों में उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया था। इनके पास से 3 पिस्टल, 7 कारतूस और 1 कार बरामद हुई है। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार हून के नेतृत्व में स्पेशल सेल की एक टीम दिल्ली एनसीआर व अन्य राज्यों में एक्टिव खूंखार अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाते हुए दिल्ली एनसीआर में एटीएम तोड़ने में शामिल मेवात स्थित लुटेरों के एक गैंग की मूवमेंट व एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थी। गैंग का सरगना मुस्तकीम के खिलाफ 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 25 एटीएम तोड़ने के मामले हैं। आरोपी 25 में से 15 एटीएम तोड़ने के मामलों में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। मुस्तकीम ने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था, लेकिन उसके सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों ने एटीएम तोड़ना जारी रखा। वांटेड बदमाश मुस्तकीम अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की कई टीमें कुख्यात और वांटेड बदमाश मुस्तकीम को दबोचने का प्रयास कर रही थी, लेकिन शातिर और कुख्यात मुस्तकीम पिछले 3 साल से पुलिस टीमों को चकमा दे रहा था। स्पेशल सेल दक्षिणी रेंज के दबंग इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम भी मुस्तकीम पर लगातार नजर रखे हुए थी, लेकिन शातिर और कुख्यात मुस्तकीम ने अपने आप को नूह मेवात में छिपा रखा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पास मोबाइल भी रखना बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर शिव कुमार ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को मेवाती ड्रेस में मुस्तकीम के आसपास तैनात कर दिया। टीम के सदस्य मेवाती ड्रेस में पिछले काफी समय से मेवात नूह में मुस्तकीम की एक्टिविटी पर नजर रखे हुए थे। मेवाती गैंग के शातिर और कुख्यात मुस्तकीम ने मेवात में अपने आसपास स्थानीय लोगों का सुरक्षा चक्र बना रखा था, इसलिए मेवात में उसे दबोचना आसान नहीं था। इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने मुस्तकीम को दबोचने के लिए कई बार मेवात में छापेमारी की, लेकिन मेवात इलाके में एंट्री करते ही मुस्तकीम को स्थानीय लोगों से इसकी जानकारी लग जाती थी और वो फरार हो जाता था। इंस्पेक्टर शिव कुमार को पूरा भरोसा था कि मुस्तकीम एक न एक दिन मेवात इलाके से बाहर जरूर निकलेगा। आखिरकार कई महीनों के इंतजार के बाद इंस्पेक्टर शिव कुमार को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि मुस्तकीम अपने 2 साथियों के साथ वना कार से दिनांक 17 सितंबर 2022 को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच लाजवंती चैक हरिनगर अपने किसी सहयोगी से मिलने आएगा। एसीपी अतर सिंह की सुपरविजन में इंस्पेक्टर शिव कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर करमवीर सिंह, एसआई राजेश कुमार व महिला एसआई नीतू बसोआ की टीम ने लाजवंती चैक हरिनगर में जाल बिछाया। दोपहर करीब 2:15 के आसपास सस्पेक्ट वना कार लाजवंती चेक की ओर आती हुई नजर आई। तीनों को स्पेशल सेल की टीम ने घेर लिया, लेकिन आरोपियों ने टीम के सदस्यों के साथ हाथापाई शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस टीम के सदस्यों ने तीनों आरोपियों को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर तीनों आरोपियों के पास से .315 की 3 सिंगल शॉट पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और 1 हुंडई वना कार बरामद की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि गिरफ्तार मेवात गैंग के तीनों सदस्य 33 आपराधिक मामलों में वांटेड थे। यह गैंग अभी तक दिल्ली एनसीआर, बिहार, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, राजस्थान और मिजोरम सहित 7 राज्यों में लगभग 25 एटीएम तोड़ने की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह अभी तक 7 राज्यों के 25 एटीएमों को तोड़कर 2,25,00,000 रुपए की नकदी लूट चुके हैं। गैंग के सरगना मुस्तकीम से पूछताछ में पता चला कि वो गैंग के सदस्यों के साथ इसी साल सितंबर के पहले सप्ताह में एक ट्रक में असम के डिब्रूगढ़ में एटीएम लूटने गया था। 5 सितंबर की रात उसने साथियों के साथ डिब्रूगढ़ में एसबीआई के 2 एटीएम को गैस कटर से काटकर 45,60,000 रुपए लूट लिए थे। कैमरे में कैद होने से बचने के लिए इन्होंने दोनों एटीएम के सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया था। एटीएम को काटने के दौरान गैस कटर की चिंगारी से आग लग गई थी, जिससे एटीएम जलकर खाक हो गया था। गैंग सरगना मुस्तकीम ने आगे बताया कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पिछले 4 महीनों में 3 एटीएम दिल्ली में और 1 महाराष्ट्र में तोड़ा था। दिनांक 19 मई 2022 को दिल्ली के पटेल नगर दिल्ली में एयू स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के एक एटीएम को तोड़ दिया था और 10,00,000 रुपए नकद ले गए थे।
दिनांक 16 जून 2022 को दिल्ली के शांति निकेतन इलाके से HDFC बैंक के एक ATM को तोड़कर 20,85,000 रुपए लूटे थे। दिनांक 20 जुलाई 2022 को गांव मित्रू में लगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ATM को तोड़कर 6,40,000 रुपए निकाल लिए थे। दिनांक 20 जुलाई 2022 को ही इसी गैंग से जुड़े सदस्यों ने महाराष्ट्र में इंडकैश का एक ATM तोड़कर 8,50,000 निकाल लिए थे। मुस्तकीम और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों की पूरे देश में ATM तोड़कर और ATM से नकदी ले जाने की लंबी क्राइम हिस्ट्री है। गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी से पहले सेल की टीम कुछ सदस्यों को दबोचकर ATM तोड़ने के 6 मामले को सुलझा चुकी है। पुलिस का कहना है कि मुस्तकीम को ATM तोड़ने के 15 नए मामलों में गिरफ्तार नहीं किया गया था, क्योंकि वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 3 साल से फरार था, लेकिन सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के साथ ATM तोड़ना जारी रखा। मुस्तकीम विभिन्न राज्यों में सभी लंबित मुकदमों में पिछले 3 साल से अदालतों में उपस्थित नहीं हो रहा था। ऐसे 8 मामलों में उसे भगोड़ा भी घोषित किया जा चुका है और शेष मामलों में उसे PO घोषित करने की प्रक्रिया जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।